नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को मजाक बनाती सनावत पुलिस परिवार का आरोप, समय पर छेड़छाड़ की रिपोर्ट नहीं लिखने से पिता ने लगाई फांसी। वैसे तो खरगोन जिले की पुलिस अपने लापरवाही भरे कारनामों से सुर्खियां बटोरती रहती है। ऐसा ही एक मामला खरगोन जिले के सनावत का प्रकाश में आया है, जिसमें एक मंदबुद्धि नाबालिग के पिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जबकि परिजन का आरोप है कि पास में रहने वाला शिवनाम का व्यक्ति नाबालिग से छेड़खानी और गलत हरकत करता था। इसी बात से परेशान नाबालिग के पिता ने जीवन लीला समाप्त की है। बता दें कि शिवनाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस ने पॉक्सो एक्ट धारा के तहत कार्रवाई की है। जबकि परिजन का आरोप है कि नाबालिग के पिता आरोपी के खिलाफ जब थाने पर रिपोर्ट लिखाने पहुंचे, उस समय रिपोर्ट नहीं लिखने की दशा में नाबालिग के पिता ने मौत को गले लगा लिया। वहीं पुलिस मामले की पड़ताल करके उचित कार्रवाई की बात कह रही है। थाने में के साहब ने एफ आई आर दर्ज करी और पूर्व में जो घटना करी थी गनकोर पे, वो आवेदन भी उससे दिलवा के उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी। ये जो शिव था ये घर के आसपास ही रहता था आपके? जिन मंदिर के पीछे रहता है। तो ये जिस तरीके से पहले बताया कि पहले आदतन था, उसने पहले भी ऐसी कोई हरकत की थी क्या जिसके अंदर 3 महीने उसको जेल भी रहा? वो आदतन इस मामले में है, इस मामले में एक की बहू को छेड़ा था, उस मामले में भी उसके पास खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई। अब क्या चाहते हैं, किस तरीके से न्याय चाहते हैं? कार्रवाई हो।